गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हमने जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। पता नहीं, हमने वैसे सोचे कि ना थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ पिकनिक जैसा, या फिर कहीं बैठ के हम लोग पानी के पास बैठ के कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह खाएंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा है। तो हमने सोचे कि ना चलते हैं बाहर और थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। और ये मेरा बॉटल जिसको मैं कैरी करती हूँ हर जगह। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कोई एक जगह जिसका नाम मुझे नहीं पता। मतलब वो रायपुर हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ से शायद आधा या एक घंटा लगता है ना। कितना घंटा लगता है? आधा घंटा लगता है यहाँ से। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम लोग मतलब वहाँ पे ना ऐसा नदी जैसा है और वहीं पे हम लोग सोचे कि बैठ के ना स्नैक्स वगैरह खाएंगे या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसे खा बैठेंगे, बात बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि खाने का क्या मिलता है। हम लोग कुछ खाने का सोचे कि ना पैक करा लेते हैं। तो खाना पैक करवा के, खाना मतलब क्या, ब्रेकफास्ट जैसा कुछ स्नैक्स टाइप्स पैक करवाएंगे और पैक करवाने के बाद फिर हम लोग वहीं जाके खाएंगे। तो देखते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि इस साइड में तो कुछ आइडिया नहीं कि क्या मिल जाएगा, अभी क्या मिल सकता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं पहले कि क्या मिलता है। ये रोड बहुत ही मस्त लगता है मुझे, तो सही दिख रहा है व्यू। आज तो ज़ोर से बारिश होनी चाहिए यार, मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि जाए। तो आज है ईद, इसलिए आज अंकुर की भी छुट्टी है, इसलिए हम लोग सोचे कि आज चलते हैं, क्योंकि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। अगर धूप होता तो नहीं जाते, घर पे ही रहते। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा है, मुझे कंटेंट मिल रहा है तो बना लिया जाए। तो यहाँ है एयरपोर्ट और इसके आगे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके आगे पे पड़ता है वो। देखते हैं कुछ मिलता है क्या। मिलता है। बात फिर चलेंगे आगे। तो अंकुर गए लेने के लिए, मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या मिलता है। मस्त मौसम है, बहुत मस्त हवा भी चल रहा है। चलो देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है कुछ खाने का, क्योंकि हम लोग एक और जगह गए थे तो वहाँ तो कुछ खाने का मिला नहीं, जहाँ से हम लोग लेते हैं तो वो बंद था। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शायद कुछ मिल जाए। तो हम लोग ले चुके हैं यहाँ से सामान, ये कुछ सामान हमने लिया है, कुछ खाने वाने का भी सामान ले लिए हैं। तो चलते हैं जिस जगह पे जा रहे हैं, मैं दिखाऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग क्या। तो चलो हम लोग ने सामान वामान तो ले लिया, चलते हैं देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। मैं दिखाती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो पीछे रखो, उसको पीछे रखो। तो देखो वहाँ पे है स्टेडियम। वहाँ पे भी हम लोग सोचे जाएंगे, और यहाँ तो पूरा पानी सूख गया। हम लोग इसी के नाम से आए थे, पहले ये पूरा भरा हुआ था और अभी इतनी गर्मी की वजह से लगता है ये सब पूरा सूख गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ। वो देखो, वो है स्टेडियम। और हम लोग ना यहाँ पे ये
कप वाले नूडल्स होते हैं ना, उसको हमने यहाँ पे पैक करा लिया था, चिकन वाला। तो इसमें ना गर्म पानी डलवा के हम पहले ही लेके आ गए थे। अब तक तो ये बन भी गया होगा। लो पकड़ो। अच्छा लगा, हवा चल रही है, हवा तो मस्त चल रहा है। और है स्टेडियम, यहाँ पे हम लोग आए थे जब पहले तो कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, और अभी पानी ही नहीं है, पूरा खाली हो गया। हम लोग इसी के नाम से आए थे। और यहाँ पहले मतलब इतना ज़्यादा भीड़, मतलब हम लोग जब आए थे बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, और अभी देखो तो एकदम ही खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे। सेंध लेक नाम है इसका, सेंध लेक है इसका नाम, बट अभी पानी नहीं है तो इसलिए शायद कोई भी नहीं है यहाँ पे। जुगाड़ खाने का ये भी खाने का मज़ा कुछ और ही है, यहाँ पे गाड़ी के ऊपर बैठ के खाने का, उड़ ना जाए ये। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया है कप नूडल स्पाइस चिकन, और तुम्हारा क्या है? रोगन जोश रिच मटन करी। तुम ये खाओगे सुबह सुबह, मैं तो ये नूडल्स खा रही हूँ भाई। रोगन जोश टाइप का कौन सा आता है भाई, ये पहली बार देख रही हूँ मैं। ये बस नाम का स्पाइस है, बिल्कुल एकदम फीका फ्लेवर है, फ्लेवर ही नहीं है। तुम्हारा वाला ज्यादा अच्छा है स्पाइस, मुझे पता है। जोश पता नहीं क्या कुछ भी अजीब सा लेते हैं और वो अच्छा निकल जाता है। ये हस्बैंड लोग का ट्रिक होता है। मुझे सड़ा वाला दिलवाया, मैं दिलवाया, तुम पसंद करते हो सड़ा वाला, मुझे तुमने मुझे दिलवाया है सड़ा वाला। बेबी मैं तुम्हें हमेशा बोलते हो तुम खुद पसंद कर लो, और तुम पसंद ही सिर्फ सड़ा वाला ही करती हो। इतना भी सड़ा नहीं, अच्छा है। हाँ खाओ फिर, पूरे ही खाओ, मैं तो नहीं देने वाला। तुम्हारा रोगन जोश अच्छा है, बट मेरा वाला भी अच्छा है। इसमें छोटे छोटे चिकन के पीसेस हैं, और मेरे में थोड़ा सा बड़ा चिकन नहीं, मटन के पीसेस हैं। अच्छा मटन है क्या तुम्हारा? तो ये मटन के पीसेस जो हैं छोटे छोटे, मेरे में थोड़े से बड़े बड़े हैं। देखो हमने एक लिया है बादाम मिल्क, और एक लिया है नेस्कैफे कोल्ड कॉफ़ी, और थोड़ा सा समोसे वगैरह भी पैक करा है, और चिप्स विप्स ये सारी चीज़ें हमने पैक किया है। तो यही हम लोग को मिला, हम लोग कुछ और सोचे थे पैक कराने का, बट हम लोग को जो मिला हम लोग वही पैक कराए। बट यहाँ पे भी ऐसे खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब पानी होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। पानी यहाँ पे है ही नहीं, मतलब पूरा सूख गया। मतलब हम लोग जब पहले थे तो ज़्यादा भरा था, अच्छा भी दिख रहा था, वही सोच के इस जगह पे आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे ब्रेकफास्ट करने में। अभी खाएंगे हम समोसे। कौन खाना है, किसको खाना है समोसा? मुझे, मुझे ज़्यादा हो गया ये, एक मेरा पेट भर चुका है। कोल्ड कॉफ़ी एंड बादाम शेक बादाम मिल्क, ये मुझे भी बादाम शेक बादाम मिल्क भी पीना है यार। इतना ज़्यादा हवा चल रहा है कि मतलब बाली नहीं कर पा रही। यहाँ गाड़ी के ऊपर ये हमारा टेबल बन गया है। अच्छा
अच्छा है ये बादाम मिल्क। बहुत सारे लोग आते हैं ना, काफी कचरा करके भी जाते हैं। हमने सोचे थे पहले वहाँ पे जाके बैठेंगे वहाँ पे और वहाँ पे हम लोग खाएंगे, बट इतना कचरा देख के मैं तो बोली कि मैं नहीं जाऊँगी वहाँ बैठने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, कौन से आश्रम जाएंगे, कोई देखते हैं खुला होगा तो। यहाँ पास में ही ना कोई एक आश्रम है, तो सोच रहे हैं वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसा है। मैं कभी नहीं गई हूँ, अंकुर भी कभी नहीं गए, हम दोनों ही कभी नहीं गए, देखते हैं कि क्या है वहाँ। तो हम लोग वो आश्रम तो नहीं गए क्योंकि उसका रास्ता नहीं पता चल रहा था और टाइम हो रहा था। और पता, हम लोग ना घर जैसे घर से निकल रहे थे ना, तब मेरी मेड आ चुकी थी, मतलब 9 बजे मेरी मेड आ जाती, तो वो आ गई थी। तो ना मैं उसको बोली कि ना बाद में आना थोड़ी देर बाद। इनका ही आश्रम उधर है कि यही है? यही वाला आश्रम, यही वाला। सोच रहे थे कि अभी जाएंगे, लेकिन टाइम हो गया इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी मेड को टाइम दूंगी 11 बजे आने के लिए, क्योंकि वो जब आई थी ना तो मैं उसको भेज दी थी, मतलब घर आई थी वो 9 बजे आई थी काम करने के लिए, तो हम लोग तभी निकल रहे थे। इसलिए मैं सोची कि ना उसको बोलूँ कि 2 घंटे बाद आने, टाइम भी हो गया, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के लिए। तभी जा रहे हैं हम लोग वापस घर। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम फिर से कभी आएंगे थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि आज मंडे भी है तो जल्दी भी जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत कुछ काम वाम करके, मतलब जब छुट्टी का टाइम छुट्टी का दिन रहता है ना तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्लान कर ही लेते हैं, मतलब एकदम सडन प्लान इधर चल लेते उधर चल लेते हैं। तो वही आज भी ऐसे ही हुआ, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने पहली बार ब्रेकफास्ट ऐसे बाहर किए है ना, मतलब ऐसे जगह में कि मतलब मस्त जगह किसी एक लेक के सामने खड़े होके मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह करना, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलो चलते हैं घर और फिर मिलते हैं घर जाके। कितने सामने से आ रहे हैं, तो पहुंच गए हम लोग घर, चलो चला जाए अब। अच्छा है आज का वेदर, यहाँ पर गर्मी भी थोड़ी सी कम हुई है यार, अब जल्दी से बारिश चालू हो जाए। तो देखो आ गई हूँ मैं बालकनी में अपने। यहाँ ना ये जो इतना कचरा है ना, ये सब ऊपर वाले करते हैं, मतलब कोई भी ऊपर से फेंक देता है यहाँ कचड़े, हम लोग नहीं फेंकते हैं। तो आ गए हम लोग वापस घर और अभी मैं करूँगी लंच की तैयारी, मतलब अभी तो नहीं, तुरंत तो लंच की तैयारी नहीं करूँगी, हम लोग ब्रेकफास्ट और कुछ स्नैक्स वगैरह करके आए तो अभी तो नहीं खाएंगे, तो लंच की तैयारी मैं 1-2 घंटे बाद ही करूँगी। अभी मेरी मेड आने वाली है,
मेड काम वाम करेगी, साफ़ सफाई करेगी, उसके बाद तब तक मैं अपने वीडियोस को एडिट करूँगी, क्योंकि मेरे को अभी अपने वीडियोस को अपलोड भी करना डालना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ना इतने देर मतलब लग जाते हैं मुझे वीडियो अपलोड करने में, मतलब अपलोड होता ही नहीं है, मतलब मेरा इंटरनेट भी इतना फास्ट है बट फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबे और लेंथी वीडियोस बन जाते हैं ना, तो वो मतलब अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मतलब मैं इतने देर से वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, मतलब मैं दोपहर के 1 बजे से वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, और वो कब अपलोड हुआ पता, शाम के 4:30 बजे अपलोड हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि मेरे बाकी जो काम है ना वो रुक जाते हैं, मतलब सारे काम में डिले होने लगता है, तो इसलिए मैं अभी से ना एडिटिंग वगैरह करके फिर वीडियोस को अपलोड करूँगी, ताकि ना मेरा सब कुछ टाइम टू टाइम चलता रहे। और वीडियोस अपलोड करने के बाद ही मतलब दोपहर का खाना वाना हम लोग लंच वगैरह करते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था कल, मतलब कल इतना टाइम हो गया था कि हम लोग खाना भी 4:30 बजे कल खाना खाया हम लोग, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब मेरे को खाना बनाते बनाते भी, फिर उसका ब्लॉग करते करते भी, फिर वीडियो एडिटिंग करते करते भी, तो मैं खुद ही करती हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ, वीडियोस भी मैं ही लेती हूँ, कभी कभी बीच में अंकुर भी हेल्प कर देते हैं, बट अंकुर की जैसे कभी क्लासेस रहती है या कुछ काम रहता है तो वो नहीं कर पाते, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम हो जाता है। वैसे भी सैटरडे संडे हम लोग ना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कर लेते, ताकि क्या होता है ना कि लंच थोड़ा सा टाइम से भी मतलब थोड़ा सा लेट भी हो जाए ना तो चलता है, तो ऐसे ही हम लोग का चलता है। तो चलो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।